आज का टॉपिक है रियलिटी शोज। ये वही चीज होती है जिसमें 5% टैलेंट प्रदर्शन होता है और पूरे में कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया में अलग अलग टैलेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी शोज है, जैसे इंडियन आइडल, सुपरस्टार सिंगर, सुपर डांसर और सबसे यूनिक इंडियाज़ गॉट टैलेंट। और अगर आपको भी कोई रियलिटी शो बनाना है तो आपको जजेस की हमेशा जरूरत रहती होगी, और हमारे पास दो हमेशा की तरह विलेज जजेस रहती हैं, जैसे कि फराह खान और गीता माँ। इनको आप किसी भी शो में डाल लो, क्योंकि अब तो एक कुकिंग के शो में भी आते हैं। फिर आपको चाहिए एक ऐसा कमेंटेटर जो दूसरे के लिखे हुए जोक्स पे आपको अच्छा खासा हंसा दे। ऐसे इतना नहीं हंसा सकते हैं, ये तो मेरे एडिटिंग स्किल्स है। इसके लिए तो लाइक कर दो। और वैसे हर रियलिटी शो में कुछ ऐसा होता है, कंटेस्टेंट नमस्ते सर, पहले बताओ तुम यहाँ तक आई कैसे हो? सर कैब से, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, जाओ नेक्स्ट कंटेस्टेंट। लास्ट टाइम मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, पर दिस टाइम मैंने बहुत मेहनत करी है। मुझे पता था कि दिस टाइम इज टू चेंज माय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑटो 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 सिर्फ सिंगिंग काफी नहीं थी, आई नीड इट मोर। अगर मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हुई तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे। नमस्ते सर, आप तो पहले भी आए थे ना, तो इस बार आप कैसे आए? सर इस बार मैं ऑटो में आई थी और ऑटो का भाड़ा भी नहीं दे पाई, और ऑटो का भाड़ा भी नहीं दे पाई। अरे साउंड इफेक्ट तो लगा अंसा वाला सर, वही अपना। यू आर सिलेक्टेड, आई विल सी यू इन फाइनल्स, यू आर सिलेक्टेड। और आपको फिनाले में लगाने हैं कुछ 55 मिनट, ताकि हम एड लगा सके और आप सब बैठ के देखो। विनर कौन है, कौन है विनर, कौन हो सकता है विनर, हो कौन सकता है विनर, ये बताएंगे हम बहुत बड़े ब्रेक के बाद। 2 hours later और फाइनली हमारे साथ बचे हैं अमन और अमनी। तो हमें बताते हैं बड़ा दुख हो रहा है कि विनर है अमन। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा।